चलो लिखो सब लोग, प्लीज राइट दिस वन। This is a W. This is the interrogative part and the WH question structure. तो दिस इज द पैटर्न। कंपल्सिव सिचुएशन पे जब आप रहते हैं तो ये स्ट्रक्चर है, ना है या ना पड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड डब्ल्यूएच क्वेश्चन। आई विल मेक वन एग्जांपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। हैव टू improve my communication skills. I have to improve my communication skills. ये positive statement है। Now I will give you 2 minutes time. 2 minute time देते हैं इसका negative, interrogative and WH question आप लोग बनाएंगे और फिर जिससे पूछेंगे वही बताएगा। हाँ सब लोग बोलेंगे नहीं। When I will tell the name, that person will speak. चलिए fast. 2 minutes में बना के दिखाइए सब। And then I will speak a name, that person will give all the answers. चलिए गोविंद जी आंसर करिए प्लीज। यस सर। I don't have to improve my communication skills. I don't have to improve my communication skills. एक सेकंड सर, इसमें लिख लेने दीजिए। I don't have to improve my communication skills. Okay. And interrogative structure क्या है? Do you have to improve your communication skill? Why do you have to improve your communication skills? Do you have to communication skills? Your communication skills, correct. And what is the WH question? Why do you have to improve your communication skills? No. Why is not the right WH question? See. Chalo, mute karo phone. Mute. I have to improve my communication skills. Now, यहाँ पे communication skills क्या है? It's an object, right? तो object के बारे में पूछो। Object के बारे में जब हम पूछेंगे तो किससे बनेगा सवाल? How do you? No. Improve. What do you? What do you want? What? Have to. What do you have to improve communication skills? Communication skill is the answer. What do you have to improve? बस इतना ही। And then it will come back here. और यहाँ पे वापस से आएगा और कहेगा I have to improve my communication skills. This is the WH question. What do you have to improve? I hope it is clear. Any doubt? Make one more sentence. एक और बनाइए चलिए। I'm giving the example here. You will make all. I'm writing on top. चलिए लिख के बनाएंगे सब लोग। क्वेश्चन इज सेंटेंस इज सॉरी ही हैज टू अटेंड द डेमो क्लास। मतलब क्या हुआ? उसे डेमो क्लास अटेंड करना है। आंसर डन सर।
अक्षरा आंसर करेगा करेगी, बाकी लोग ध्यान से सुनेंगे पहले। हाँ यस अक्षरा आंसर करेगी। He has to attend the demo class. Negative sentence. He does not have to attend the demo class. Good. Does he have to attend the demo class? Very good. What does he have to attend the attend? That's question it. Mark. That's it. Correct. Good. All correct. मेरे ख्याल से सबने match किया होगा. Can you just repeat one more time? Actually, the answer one more time. Speak up. फिर से बोलो एक बार, सब लोग मैच कर लो इन केस देयर इज अ प्रॉब्लम समवेयर। यस ही हैज टू अटेंड द डेमो क्लास, ही डज नॉट हैव टू अटेंड द डेमो क्लास, डज ही हैव टू अटेंड द डेमो क्लास क्वेश्चन मार्क, व्हाट डज ही हैव टू अटेंड क्वेश्चन मार्क। चलिए लेट्स मूव ऑन टू स्ट्रक्चर। एनी डाउट एनीवन? आई विल वेट फॉर 5 सेकंड्स, इफ एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। सर ये जो स्ट्रक्चर दिया था ये कौन सा वाला था? ना है ना पढ़ता है, देखो लिखा है साइड में, मुझे ये काम करना है, जाना है, खाना है, बोलना है, सुनना है, हंसना है, मुझे होमवर्क बनाना है, कोई भी काम जो आपको करना है, आपने प्लान किया है कि आने वाले वक्त में मुझे ये सब करना है, या आपके पास कोई चॉइस नहीं है और आपको करना है ये काम, ठीक है ना? तो यही वाला ये स्ट्रक्चर है, राइट? जैसे आप अगर आप अभी अभी आप पढ़ रहे हो, अचानक से आपको बॉस का आपके कॉल आएगा कि आप रिपोर्ट करिए इमरजेंसी है, तो आप मुझे क्या बोल के जाएंगे? सर मेरे को ना थोड़ा ऑफिस जाना है, बहुत अर्जेंट है। तो आप यही सेंटेंस यूज करेंगे, राइट? सो आई हैव टू गो टू ऑफिस, इट्स वेरी अर्जेंट, आई हैव टू गो टू ऑफिस, मुझे जाना है ऑफिस, मेरे पास चॉइस नहीं है कोई, ठीक है? तो ये वो स्ट्रक्चर है। क्लियर हुआ? हाँ चलिए ठीक, लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज नाउ, वी विल टेक द पास्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर का पास्ट क्या होगा? म्यूट कर लीजिए फोन प्लीज। इसका तीन अलग अलग सेंस होता है, हाँ तो ध्यान से तीनों लिखिए, ना था, ना पढ़ता था और ना पढ़ा, ये तीनों सेंस में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है? मुझे जाना था, मुझे जाना पड़ता था और मुझे जाना पड़ा, ये तीनों सेंस का एक ही स्टेटमेंट होता है, हैड टू बी वन, ठीक है? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैड टू दीपक, दीपक फोन म्यूट कर दो। आई हैड टू मेक presentation for I had to make presentation for the meeting. ये positive statement बनाया मैंने, I had to make presentation for the meeting, यानी मुझे presentation के लिए meeting के लिए presentation बनाना पड़ा, बनाना था या बनाना पड़ता था, तीनों का देखो अलग अलग तरह का थोड़ा बहुत changes है इसके sense में use होने का। मुझे बनाना था, ठीक है, आई हैड टू मेक प्रेजेंटेशन, किसी और को ये काम नहीं मिला था, आप ही को बनाना था, तो आपने ये सेंटेंस कहा, आई हैड टू मेक प्रेजेंटेशन फॉर द मीटिंग, दैट्स व्हाई आई वाज वर्किंग लेट नाइट, इसलिए मैं देर रात तक काम कर रहा। व्हेन आई वाज इन द मीट, अब देखो यहाँ पे सेंटेंस ना पढ़ता था सका सेंस कैसे आएगा, व्हेन आई वाज इन द मीटिंग सॉरी इन द व्हेन आई वाज इन द कंपनी आई हैड टू मेक प्रेजेंटेशन फॉर द मीटिंग, व्हेन आई वाज इन द कंपनी, जब मैं कंपनी में था, अभी छोड़ दिया मैंने काम, जब मैं कंपनी में था ना तो प्रेजेंटेशन मीटिंग के लिए मुझे बनाने पड़ते थे, अब यहाँ पे पढ़ता था सेंस लगा, आई हैड टू मेक ऑल द प्रेजेंटेशंस फॉर द मीटिंग व्हेन आई वाज इन द कंपनी या व्हेन आई वाज द मैनेजर, जब मैं मैनेजर था तो मुझे सारे प्रेजेंटेशंस बनाने पड़ते थे, ठीक है ना? आई हैड टू मेक प्रेजेंटेशन फॉर द मीटिंग बिकॉज गोविंद वॉज एबसेंट यस्टरडे, यहाँ पे क्या सेंटेंस का सेंस है, आई हैड टू मेक, मुझे करना पड़ा,
मुझे प्रेजेंटेशन बनाना पड़ा, गोविंद क्लास ऑफिस में था ही नहीं, कल एब्सेंट था, तो मुझे बनाना पड़ा। तो तीनों का इंग्लिश एक ही है, लेकिन उनके कहने के तरीके में थोड़ा 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 फर्क है तीनों स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। ओके सर, थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे? क्यों भाई, क्या बात है? सर मुझे थोड़ा डॉक्टर क्या जाना था, डॉक्टर क्या जाना था, आई हैड टू गो टू द डॉक्टर, सो कुड यू प्लीज लीव मी लिटिल अर्ली। ओके ओके, जब मैं बीमार था तो मुझे हर रोज डॉक्टर से क्या जाना पड़ता था, व्हेन आई वाज सिक आई हैड टू गो टू डॉक्टर एवरी डे, पड़ता था, जाना पड़ता था, चॉइस नहीं था, डॉक्टर बोलता था हर रोज आने, तो जाना पड़ता था। अब मेडिसिन खाना पड़ा, मन तो नहीं था लेकिन खाना पड़ा, कोई चॉइस ही नहीं था। तो तीनों में चॉइस नहीं है, लेकिन बोलने के तरीके में थोड़ा थोड़ा फर्क है। आई हैड टू ईट द मेडिसिन बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। समझ में आ रहा है तीनों का सेंस? कोई डाउट है? क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? कैसे बनाइए? यस सर, बना के दिखाओ इसका नेगेटिव डब्ल्यूएच क्वेश्चन। चलो पास बन गया सबका ना? वेट सर, आई विल टेल द नेम, दैट पर्सन कैन स्पीक। I did not have to make presentation for the meeting. अभी presentation for the meeting नहीं लिख रहे हैं, वो यहाँ पे है, समझ लो। Next. Did you have to make presentation for the meeting? Chalo. What did you have to make? What did you have to make? What did you have to make for what? What did you have to make for the meeting? What did you have to make for the meeting? Yahan for the meeting. सर, सर जो WH में ऐसा आ सकता है, व्हाई डिड यू हैव मेक टू प्रेजेंटेशन? आप प्रेजेंटेशन क्यों बना रहे हो? होल्ड ऑन, जब मैंने WH क्वेश्चन पढ़ाया था आप लोगों को, तो क्या बताया था कि वाई से जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हम जवाब में क्या देना पड़ता है? रीजन देना पड़ता है, रीजन। अब अगर एक ये सेंटेंस में ऐसा लिखा होता कि अब आंसर में क्या आया? बिकॉज आया, yes, तब जाके वाई से बनेगा, समझ गए? ठीक है, करेक्शन कर ली। अभी समझे क्यों लगता है वाई क्यों लगाना है? जब आप रीजन बता रहे हैं, रीजन का मतलब क्या हुआ? बिकॉज, सिंपल समझो, क्यों, क्योंकि, क्यों कब बोलते हैं, पूछते हैं? जब क्योंकि रहता है जवाब में, तभी ना क्यों पूछते हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक, चल तो व्हाट इज, हाँ फिर ऐसा आएगा ना, फॉर व्हिच डिड यू हैव टू मेक प्रेजेंटेशन? नहीं नहीं, फॉर विच नहीं आएगा, किसके लिए? यहाँ पे कोई कवर हो, मीटिंग, मीटिंग के लिए, इसके लिए पूछ रहे हो क्या? फॉर व्हाट लगाओ ना, फॉर विच नहीं लगाओ, फॉर व्हाट? सर सर सर, फॉर हुम डिड यू हैव टू मेक अ प्रेजेंटेशन? यहाँ पे किसी व्यक्ति, सभी होगा ना, किसी भी व्यक्ति का जिक्र नहीं है इस सेंटेंस में, कहाँ है कोई व्यक्ति का जिक्र है? Whom, whom कब लगता है? ध्यान से समझो, whom जो वर्ड है, अभी इसमें चार WH क्वेश्चन है, राइट? टू whom, फॉर whom, विथ whom, अबाउट whom, है ना चार? ये यहाँ पे किसी पर्सन का होना कंपलसरी है, कोई व्यक्ति होना चाहिए, तभी आप whom लगा सकते हैं, निर्धारकों के साथ नहीं लगा सकते, समझ गए? Daily means रोज। हाँ यस, चलो ठीक है, फॉर व्हाट से बना, मुझे रोज जाना है। हाँ जाना है, नहीं जाना था, ना है कहाँ इधर पे? मुझे रोज जाना था, व्हाट वाज द सेंटेंस?
I had to go every day, yeah, daily. Every day use करो. हर रोज को क्या कहते हैं? Every day कहते हैं. वर्षा समझ में आया ना क्यों हूं नहीं लगेगा क्योंकि किसी व्यक्ति का जिक्र नहीं है ऑब्जेक्ट में. यस सर. मीटिंग के बारे में पूछना चाहते हो तो फॉर व्हाट लगा सकते हो. फॉर व्हाट डिड यू हैव टू मेक द प्रेजेंटेशन. तुम्हें किस लिए प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता था. ठीक है, तुम्हें किस लिए प्रेजेंटेशन बनाना था. तो मुझे मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन बनाना था. वो एक सेंस क्रिएट होता है वहां पे. वो क्लियर. मैं विल नॉट को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करके लिख रहा हूँ. वोंट. This question mark है. Now the sense, यहाँ पे भी दो अलग अलग sense है इसको. पहला है ना पड़ेगा और दूसरा है ना होगा. आपको ये सारे structures learn करने पड़ेंगे अगर आप English सीखना चाहते हैं तो. If you want to learn English, आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स लर्न करने पड़ेंगे. तो लर्न करना पड़ेगा मतलब यू विल हैव टू लर्न ऑल द स्ट्रक्चर्स. यू विल हैव टू लर्न ऑल द नेगेटिव. तुम्हारे सारे स्ट्रक्चर्स लर्न नहीं करने होंगे तो यू वोंट हैव टू लर्न ऑल स्ट्रक्चर्स. ऑल द स्ट्रक्चर्स. Will you have to learn? Do you have to learn structures? Learn all the structures. Structures. What will you have to learn? What will you have to learn? Please subscribe our channel and hit the bell icon for more interesting and learning updates.